नमस्कार, मैं अंजलि बख्तर बिहारी न्यूज से। बिहार के मधुबनी जिले के लौकही थाना क्षेत्र के कौरियाही गांव में आसमान से गिरे मैग्नेटिक पत्थर देश भर में कौतूहल का विषय बना हुआ है। मधुबनी के लौकही थाना क्षेत्र के कौरियाही गांव में कड़कती बिजली के साथ एक आंख का गोला गिरा, जिसकी आवाज करीब 5 किलोमीटर तक गूंज गई थी। इसकी आवाज से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। जब यह पत्थर आकाश से गिरा था तो इसमें से आग निकल रही थी। बुधवार को इस पत्थर को पटना ले जाया गया है। इसका वजन करीब 15 किलो का है। सीएम नीतीश कुमार ने पत्थर को छू कर देखा। उन्होंने पत्थर का मैग्नेट से भी परीक्षण भी किया है। नीतीश कुमार ने भूगर्भ वैज्ञानिक को बुलाया है। अब भूगर्भ शास्त्री की जाँच के बाद सीएम नीतीश कुमार ने इस मैग्नेटिक पत्थर को पटना स्थित बिहार म्यूजियम में रखने की बात कही है। भूगर्भ शास्त्री बता रहे हैं कि इस पत्थर में लोहे का अंश शामिल है जो कि चुंबक को आकर्षित कर रहा है। जानकार बता रहे हैं कि यह उल्का पिंड हो सकता है। नीतीश कुमार ने इस उल्का पिंड को विज्ञान प्रौद्योगिकी केंद्र विभाग के जिम्मे सौंपा है। पूरी तरह किए गए जांच के बाद इस पिंड को पटना के म्यूजियम में रखा जाएगा, जो इसकी शान बढ़ाएगी। कौड़ियाही स्थित खेत में मिला था ये पत्थर। आपको बता दें कि सोमवार को मधुबनी जिले के कौरियाही गांव में धान के जिस खेत में पत्थर मिला, वहां 3 फीट गहरा गड्ढा भी बना हुआ था। लोगों की माने तो तत्काल गड्ढे का पानी गर्म था। पत्थर मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने उसे एक पीपल के पेड़ के पास रखकर पूजा करना शुरू कर दिया। वहीं जब इस बात की जानकारी स्थानीय पुलिस को हुई तो वे वहां पहुंचकर उस पत्थर को अपने कब्जे में लेकर थाना क्षेत्र ले आई। बाद में डीएम के निर्देश पर जिला कोषागार में पत्थर को रखा गया। इस पत्थर की विशेषज्ञों से जांच के लिए पटना ले जाया जाएगा। धन्यवाद।